सलमान खान पिछले कुछ समय से अपने फैंस के बीच एक हलचल मचा रही है, जिसमें सलमान खान अपनी अपकमिंग रिलीज को और बढ़ रही है। सलमान को हाल ही में एक शाहरुख खान की फिल्म पठान में एक पावरफुल कैमियो देखने को मिला था। अब हाल ही में लीक हुई फुटेज तस्वीर पता चल रहा है कि वह पहले ही कई ज्यादा दमदार का करने की तैयारी में है। देखिए, ट्विटर पर एक नई ब्रिटिश वीडियो सामने आई है, जिसमें सलमान खान को एक एक्शन सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक बार और आप देखिए, जिसको आप स्क्रीन पर इसमें आप भी देख सकते हैं कि खुद सेटअप नजर आ रहे हैं और कैमरा और क्रू भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सेट कमाल का लग रहे हैं और स्टेज पर एक व्यक्ति भी खड़ा दिखाई दे रहे हैं, जो कि सलमान खान की तरह ही लग रहा है, जिसका फेस साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि साफ नहीं किया गया है यह है कि ब्रिटिश वीडियो शूटिंग के दौरान ही फिल्म की पूरी हो जाने के बाद से पैच वर्क की शूटिंग की खबर आ रही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान फिल्म की वीडियो पैच वर्क वगैरह की शूटिंग के दौरान ही है, क्योंकि खबर आई है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा और मेकर्स आदित्य चोपड़ा ने अपनी बड़ी दिवाली पर इंटरटेनमेंट फिल्म टाइगर 3 की पहला लॉक कर दिया गया है और टीम में अपना पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम सीक्वेंस को करने के लिए काम कर रही है। इतना ही नहीं, हमने आपको पहले ही अपडेट दे चुके हैं, टाइगर 3 का पोस्ट प्रोडक्शन डेब्यू वाला काम जल्द ही स्टेज पर होगा। वैसे आमतौर पर किसी फिल्म के डेब्यू का काम रिलीज के लिए 1 से 2 महीने ही लगते हैं, लेकिन टाइगर 3 के लिए चीज को बहुत ही पहले ही तैयार करने के लिए विचार कर रहे हैं। यानी कि सलमान खान टाइगर 3 की जितनी ही अहम चीज है, जैसे कि एडिटिंग वगैरह के अलावा डबिंग में और पैच वर्क का कुछ अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा फिल्म की टीजर ट्रेलर आउट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर इस ब्रिटिश वीडियो ने तो फैंस के सुपर लेवल पर उतावला कर दिया गया है और अब लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और इस फिल्म की झलक को देखने के लिए बेकरारी हो गए हैं। खैर, आप बताइए सलमान खान की फिल्म की लेकर ब्रिटिश की वीडियो आपको कैसी लगी।